हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। रिडॉक्स रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 5 हम लेके आए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है। हमने रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 भी कवर किया है, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं उससे संबंधित रूल को सीखा है। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमने सीखा है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको हमने अच्छे से देखा है। आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम इसमें देखेंगे कुछ रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस चार रिएक्शन को हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मैथड से। एक है होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर मैथड, और दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। इस दोनों मेथड से हम देखेंगे कि इस दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जहां जहां पे अंडरलाइन है ना, ये पीला वाला अंडरलाइन किया गया है, इसी पे हमें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेप्स को। तो आपको यदि रूल्स याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या मैं इसमें बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखो और कॉपी पे लिखो। कॉपी और पेन लेके पढ़ना, लेके बैठना, इस वीडियो को देखना, आसानी से सीख जाओगे। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आसानी से निकाल सकते हो, और तुम्हारे एग्जामिनेशन में जो भी आएंगे ना इसी से रिलेटेड आएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला पे हमें निकालना है, दिया हुआ है HClO4 और क्लोरीन पे अंडरलाइन है, तो जिस पे अंडरलाइन रहेगा उस पे मानना है हमें एक्स। एक्स मान लेंगे। हाइड्रोजन पे लेते हैं +1 तो +1 लेंगे। ऑक्सीजन पे लेते हैं जनरली -2, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ प्लस करके करेंगे। एक ऑक्सीजन पे लेते हैं -2 तो 4 पे हो जाएगा कितना 4 × -2 और बराबर कितना 0। 0 क्यों? क्योंकि इस टोटल मॉलिक्यूल पे देखो कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 0 ले लेंगे। अगर कुछ लिखा होता, जैसे इस मॉलिक्यूल पे 5 नंबर पे ध्यान दो, 5 नंबर पे लिखा हुआ है -2, तो फिर बराबर भी -2 लिखते हो, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा सा इक्वेशन बन गया। तो x 4 को -2 से गुणा करो तो -8, मतलब +1 और -8 = 0, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, -8 में से 1 जाएगा -7, और इधर आएगा तो +7। मतलब क्लोरीन पे कितना चार्ज है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। उसके बाद दूसरा वाला है H3PO4, तो इस दूसरे वीडियो में भी कवर कर सकते हैं H3PO4। इस पे फास्फोरस पे रैकरिंग है, तो जिस पे रैकरिंग है ना उस पे हम X मान लेते हैं। X मान लोगे, हाइड्रोजन पे +1 होता है, यहाँ 3 है, तो एक हाइड्रोजन पे +1 तो 3 को करेंगे 1 से गुना, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस। उसके बाद देखो ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे लेते हैं -2, तो 4 लिखा हुआ है तो 4 पे कितना लेंगे -8, जैसे यहाँ पे गया ना 4 × -2, तो यहाँ भी कर देंगे 4 × -2 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x 3 को 1 से गुना करेंगे तो +3, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 = 0, तो x बराबर हो जाएगा +5। मतलब फॉस्फोरस पे यहाँ पे आ गया कितना चार्ज, +5 आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरे स्लाइड पे लेते हैं हम Na2SO4 का, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है Na2SO4 और इसमें सल्फर पे रैकरिंग है, तो जिस पे रैकरिंग है उस पे मानना है हमें X। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो रूल जाके पढ़ लेना, मेरा पहला और दूसरा वीडियो देख लेना, उसमें हम लेते हैं ग्रुप 1 वाले का +1 लेते थे, यहाँ पे सोडियम 2 है इसलिए 2 को 1 से गुना कर देंगे, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन फिर से 4 आ गया, एक ऑक्सीजन पे लेते हैं -2 तो 4 पे हो जाएगा 4 × -2 = 0, तो x बराबर देखो +2 हो गया, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 = 0, तो x बराबर आ गया कितना +6। मतलब इस पे कितना चार्ज आ गया, +6 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लेते हैं 5 में, प्लेटिनम है Cl4 और -2 है, यहाँ पे ले लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। प्लेटिनम है, उसके बाद क्या है Cl4 और पावर -2। प्लेटिनम पे निकालना है तो प्लेटिनम पे मान लीजिए आप x,
एक क्लोरीन पे हेलोजन है, -1 होता है, यहाँ पे 4 है, तो प्लस करेंगे और इसको 4 × −1 कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसे 0 किए थे बराबर में, यहाँ 0 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है कंपाउंड के ऊपर, तो यहाँ पे करेंगे -2। अब इसको सॉल्व करो तो -4 = −2, x = −2 + 4 मतलब कितना, +2, प्लेटिनम पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। ओके, उसके बाद है इसमें RbO2, 6 नंबर, RbO2, RbO2 को कहते हैं रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, इस पे आपको निकालना है ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे मान लेंगे एक्स, जैसे ही एक्स मानोगे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 2 से गुना करोगे तो 2x होगा, प्लस रुबिडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो एक रुबिडियम पे होता है +1, यहाँ पे लिखेंगे +1, बराबर कितना 0 कर देंगे क्योंकि इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है, तो x बराबर हो जाएगा −1/2, -0.5, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पर होता है -0.5 चार्ज। उसके बाद देखो क्या है, NaH है, सोडियम हाइड्राइड, ये 7 नंबर, तो इसमें देखेंगे हम इसमें कैसे निकलेगा, 7 नंबर क्वेश्चन है NaH, इसको तो बिना पेन छुए बना सकते हो, सोडियम ग्रुप 1 का है तो इस पे +1 होगा, तो हाइड्रोजन पे कितना होगा, -1 होगा, ऐसे मान लें, हाइड्रोजन पे मानना है एक्स, उसके बाद सोडियम पे +1 = 0, तो एक्स बराबर हो गया -1, मतलब हाइड्रोजन का भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कब होगा, तो जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ेगा, सोडियम मैग्नीशियम पोटासियम ये सब के साथ जुड़ेगा तब इसका हो जाएगा। उसके बाद एक है स्टूडेंट 8 नंबर में है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में यही पे बता देता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको मिटा करके, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनवा सकते हो यहाँ पे, ये है ना 8 नंबर, K2 है, Cr2 है, O7 है, तो देखो क्रोमियम पे मान लेंगे एक्स, 2 क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस पोटासियम पे +1, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो 2 है, तो क्या लेंगे +2, उसके बाद प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 है, तो 7 × −2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो −14 = 0, ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 14 14 -14 + 2 − 12 होगा, तो x बराबर हो जाएगा +12/2, कितना हो जाएगा +6, अब देख लो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें, इसमें कितना हो गया +6, देखिए पोटेशियम पर मैंगनीट है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो मैंगनीट पे मानोगे x, इसको इस पे ले लेते हैं, तो इसमें डिलीट करता हूँ ऊपर, ओके, उसके बाद देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या था, पोटासियम है KMnO4 पे मैगनीज पे निकाले, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैगनीज, तो मैगनीज पे मान लेंगे एक्स, पोटेशियम का होता है +1, ऑक्सीजन पे लेते हैं -2, 4 है तो हो जाएगा −1 = 0, कैसे हुआ, मैंने से एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे गुना कर दो कितना हो गया -1, अब एक्स बराबर क्या हो गया +7, अब इस तरीका से इसमें जो एक दो बच गया उसको खुद से बना लेना, कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब बता दिया, इसको आप बार बार देखोगे। अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग देख सीख लेते हैं अभी जस्ट, ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम जिसमें हमें सीखना है, जैसे ये पहला दिया हुआ है Al+2H+ का मतलब हुआ एसिडिक मीडियम, लिसन स्टूडेंट, अगर रिएक्शन में H+ लिखा हो ना इसका मतलब वो अम्लीय माध्यम है, एसिडिक मीडियम है, और कहीं पे यदि OH- लिख दे इस तीर के ऊपर, OH- है वो हो जाता है बेसिक मीडियम, मतलब उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम OH- ऐड करेंगे, और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे H+ का यूज करेंगे, ठीक है, तो यही होता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का यूज बेसिकली में यही है, इतना ही है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक नंबर में हमारा क्वेश्चन है Al+2H+, उसके बाद क्या है डाइक्रोमेट आयन है,
Cr2O7 - 2 डाइक्रोमेट आयन, और ये है यहाँ पर तो H प्लस दिया हुआ है डाइक्रोमेट आयन, उसके बाद दे रखा है क्रोमियम 3+ Fe3+ H2O, क्रोमियम प्लस 3 Fe+3 और H2O है। आपको बैलेंस करने के लिए ना दो मेथड है, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लेकिन इसमें जो दे रखा है ना आपको, जैसे दे रखा है H प्लस, दे रखा है H2O, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। बस आप उसे आइडेंटिफाई करो जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आ रहा है, जैसे आयरन हो गया, डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमियम प्लस 3 है, आयरन प्लस 3 है, इसको हम देखेंगे कि कैसे इसमें चेंजिंग आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये दोनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। ओके, तो जैसे लिखना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे आयरन प्लस 2 और ये बदल रहा है आयरन प्लस 3 में, इसको लिख लीजिए अलग से। अब लिख लीजिए आप इसको Cr2O7 - 2 और ये बदल रहा है हमारा क्रोमियम प्लस 3 में, इसको लिख लीजिए अलग अलग। अब इसको लिखने के बाद हम देखेंगे दोनों में बैलेंस है एटम, आयरन बैलेंस है, यहाँ भी आयरन एक ही है, यहाँ पे देखो दो क्रोमियम है, यहाँ पर क्रोमियम एक ही है, तो इसको दो करना पड़ेगा, कर दिए। अब एटम्स को बैलेंस करने के बाद अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, देखो आप इसको एक ही स्टेप में कर दो, इसके लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं है, मैं जो करते जा रहा हूँ उसे आप सीखो और करते जाओ और सीख जाओ आसानी से, ये बहुत ही आसान होता है। इसके लिए रूल्स पढ़ने बैठोगे तो 8-10 दिमाग खराब हो जाएगा और आएगा कुछ नहीं। जो मैं कर रहा हूँ उसे पहले मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया, सेम एटम को अलग अलग लिखोगे, आयरन प्लस 2 है, यहाँ पे आयरन प्लस 3 है, मैंने अलग से लिख दिया, यहाँ पे डाइक्रोमेट आया था Cr2O7 - 2, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी मैंने 2 क्रोमियम प्लस 3 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एटम को बैलेंस किया, किसको, तो सिर्फ क्रोमियम को, यहाँ पर 2 क्रोमियम था, यहाँ 2 क्रोमियम कर दिए, यहाँ एक आयरन था, यहाँ एक ही आयरन रहेगा। ओके, इसको करने के बाद आप स्टूडेंट क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन इधर 7 है ना, और इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ नहीं है, इधर 7 ऑक्सीजन है, तो इधर जोड़ देंगे 7H2O। देखो मैंने क्या किया, जितना ऑक्सीजन था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने उतनी ही संख्या में H2O को ऐड कर दिया H2O, 7H2O हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे H2O दे भी रखा था तो यहाँ पे यही आ रहा 7H2O आ रहा, पर यहाँ पे हमें बैलेंस नहीं करना, हमें बैलेंस करना है यहाँ पे 7H2O कर दिया। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो अब आप हाइड्रोजन बैलेंस करो, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर ये मीडियम दे रखा है, अगर H प्लस दिया हो तो आप H प्लस ऐड करना, और अगर क्वेश्चन में OH माइनस दिया हो तो OH माइनस ऐड करना। बेसिक मीडियम में OH माइनस ऐड करते हैं और एसिडिक मीडियम में H प्लस ऐड करते हैं। तो देख लो यहाँ पे 7 × 2 = 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन इधर भी होना चाहिए, तो इधर आप जोड़ देंगे 14H+, हो गया 14 हाइड्रोजन। अब इतना कुछ करने के बाद चार्ज को बैलेंस करते हैं सबसे लास्ट में। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम जो जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, ठीक है। इधर देख लो कितना चार्ज है, यहाँ देख लो +2 चार्ज, इधर +3 चार्ज है ना। अब क्या मैंने क्या बोला, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो इधर +2 चार्ज है, इधर +3 है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, दोनों तरफ बराबर करने के लिए आप इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो देखो कितना चार्ज हो गया +3, अब -1 कितना हो गया +2, इधर कितना हो गया, इधर भी +2 है, यहाँ पे है ना आयरन +2, आयरन +2 चार्ज है इस साइड, तो हो गया चार्ज बैलेंस। इसमें देख लीजिए इसमें चार्ज है -2, 14 को प्लस से गुना करो तो +14 कितना हो गया +12 हो गया ना, ठीक। इधर आप करो 3 को 2 से गुना करो तो +6 है, इधर +6 है, इधर +12, कैसे होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यदि हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे तो इधर भी हो जाएगा +6, जो कि 6 को माइनस से गुना करोगे तो -6, +12 में से -6 घट के +6 हो जाएगा, तो इधर हमें ऐड करना पड़ेगा कितना +6 इलेक्ट्रॉन, क्या ऐड करना पड़ेगा इधर +6 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मुझे रिएक्शन को और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ।
14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हमने, फिर इधर लिखे हैं हम क्रोमियम +3 जो 2 था प्लस 7H2O था, कर दिए। मैंने क्या किया था, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जब ऐड करोगे तो देखो -2 +14 और -6, टोटल +6 चार्ज हो गया। इधर भी 3 को 2 से गुना करोगे +6 हो गया, चार्ज हमारा बैलेंस है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसको मिटाने के बाद मैं करूंगा क्या, नेक्स्ट दोनों का कर दूंगा ऐड, ठीक है, जो कि चार्ज दोनों में बैलेंस है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, चार्ज अगर बैलेंस है तो दोनों को आप जब ऐड करने जाओगे तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है या एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए 6 से गुणा कर दो, इससे को 1 से गुणा कर दो। ओके, इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कटेगा कैसे, हर हाल में इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए, बस आप ऐसा सोचो। अब देखो ये पूरा 6 से गुणा हो जाएगा, तो ये करेगा 6Fe+2 प्लस, ये 1 से गुणा होगा नीचे वाला, उतर जाएगा तुम्हारा Cr2O7-2, इधर लिखोगे +14H+, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ठीक है। अब ये बच गया Fe+3, यहाँ जो था वही उतरेगा नीचे, फिर प्लस यहाँ जो है वही उतरेगा, 2 क्रोमियम +3 +7H2O, यही हो गया आपका रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। देखो कितना एक स्टेप में हो गया, बहुत इजी होता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा देखते हैं, I2 है, NO नाइट्रेट आयन है और बेसिक मीडियम है, NO2 है, IO, तो इसको इसको बेसिक मीडियम में लेके करते हैं, IO3- है, NO2 है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं, इस पे इस स्लाइड पे लिख लेंगे क्या सब था क्वेश्चन सर। क्या क्वेश्चन था, I2+ नाइट्रेट आयन, NO2+ आयोडेट आयन, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे I2+ नाइट्रेट आयन, और ये बदल रहा है ना, ये बदल रहा है NO2 और I3- में, ये बदल रहा है NO2+ IO3- में, इसमें ये बदल रहा है। तो इसको पर हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों को आधे आधे भी लिख लो। सबसे पहले आप काम क्या करो, दोनों को आधे आधे लिख लो। कैसे लिखोगे आधा आधा भी, तो पहले लिखो आप I2 है जो बदल रहा है किसमें, IO3- में, ठीक है। उसके बाद इसको हम ले लेते हैं किसी मीडियम में, इसको ले लेते हैं बेसिक मीडियम में, ठीक, ये बेसिक मीडियम है हमारा, ध्यान रहे। उसके बाद नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन को हम ले लेते हैं, NO3- है और ये बदल रहा है हमारा NO2 में, इसमें बदल रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, आयोडीन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर के सबसे पहला काम एटम को बैलेंस, आयोडीन यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या होना चाहिए 2, तो 2 में निकल दिया, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, रहने दो। अब ये बैलेंस हो गया, तब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर कितना है 3, इधर कितना है 2, इधर 1 की कमी है तो 1H2O इधर ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया बैलेंस ऑक्सीजन। इधर देख लो 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर हम ऐड कर देंगे प्लस करके कितना, 3H2O, जितना ऑक्सीजन चाहिए ना उतना H2O हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इतना कर दिया, आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन बैलेंस करोगे देखो कैसे करना होगा, हाइड्रोजन बैलेंस यहाँ पर 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जोड़ दो, 6H+ हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर बैलेंस कर दो 2H+ हो गया बैलेंस।
अब हम करते हैं बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस करने के हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। देखो इधर कितना चार्ज है, एलएचएस है, ये हमारा है एलएचएस, और इधर हमारा हो जाएगा आरएचएस। देखो एलएचएस में ऊपर वाले में देखो I2 3H2 0 चार्ज, तो इधर भी जीरो होना चाहिए, इधर है -2, 2 -1, इधर हो जाता है हमारा -2 चार्ज, इधर है -2, 2 को -1 से गुना करोगे, 6 को प्लस से गुना करोगे तो +6 कितना हो गया टोटल +4, इधर भी +4 होना चाहिए था ना चार्ज, तो +4 करने के लिए क्या करोगे। अब हमें दिया हुआ है बेसिक मीडियम, हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, +4 है तो आप क्या कर दो इधर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे इधर तो +4 -4 0 हो जाएगा, मतलब इधर हम जोड़ देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि चार्ज दोनों तरफ जीरो हो जाए, इधर जीरो था इधर भी चार्ज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए इधर, 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे वाले में, इधर चार्ज है -1 इधर +2 कितना हो गया +1, इधर भी +1 होना चाहिए, इधर जीरो है, इधर चार्ज जीरो है, इधर क्या करना पड़ेगा हमें 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ना पड़ेगा, तो आप कर दो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, मैं इधर कर दे रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहा हूँ, इसको मिटा करके यहाँ पे मैंने ये कर दिया +1 इलेक्ट्रॉन ऐड, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ेंगे कैसे ध्यान रहे दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए तभी जोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है ये उतना ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसलिए दोनों को बराबर करने के लिए इसको 1 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, 4 से गुना करोगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल पूरा रिएक्शन 4 से गुना हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 8 कर दू, 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन जो कि 4 से गुना कर दिया है, थोड़ा सा मैं इसे मिटा करके लिख देता हूँ, चलिए पूरे को मिटा देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना +4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4NO2 जो 4NO थे, और यहाँ पर हो जाएगा 4H2O, 4 से गुना कर दिए हम, इसको हटा दो 4 से गुना कर दिए, ये तो 1 से गुना तो यही रहेगा। अब देख लो अब जो बराबर के इस साइड उस साइड बराबर है ना वो कट जाएगा बिल्कुल, वो कैंसिल हो जाएगा, पहले तो आप काट दो इलेक्ट्रॉन को, पहले हटा दो इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद देखो बच क्या गया I2, ऊपर वाले को लिखो I2 बच गया है, इधर बच गया +4NO3 माइनस नीचे से लिया है +8H+ इधर है और 6H+ इधर है, तो दोनों घट जाएगा, 8H+ में से 6H+ जाएगा तो 2H+ बचेगा, यहाँ पर लिख दो 2H+, ठीक। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, मैंने क्या किया है 8H+ में से 6H+ को घटा दिया जो कि यहाँ भी था यहाँ भी था 8H+, तो 2H+ बचा। उसके बाद इधर बच गया 2I3-, ठीक है, उसके बाद प्लस इधर बच गया 4NO2, 4NO2 इधर है 4H2O, इधर है 3H2O, तो 3H2O में से 4H2O, 4H2O में से 3H2O हो जाएगा, 1H2O बचेगा, इस साइड बच रहा है तो इसी साइड लिखाएगा ध्यान रहे, 1H2O बचेगा, ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस इस तरीका से। इसको भी हम बैलेंस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को 2-3 बार करके देख सकते हो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा I2S2O3-I-S4O-, तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा है I2
कलर अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है। क्या था? आई डू प्लस एस टू ओ थ्री टू माइनस माइनस टू, और ये बदल रहा है ना आई माइनस एस फोर ओ सिक्स टू माइनस में, ये बदल रहा है आई माइनस एस फोर वन ओ सिक्स माइनस टू, ओ सिक्स माइनस टू, ये इसमें चेंज हो रहा है। तो इसको हमें करना है क्या? बैलेंस। ठीक, बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप दोनों को क्या करो, हाफ हाफ लिख लो, सबसे पहला काम। ठीक, तो हाफ हाफ लिखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आई टू को साइड करके और आई माइनस में लिख लिया, सेम को अलग अलग करना है। ठीक, उसके बाद दूसरे वाले को देख लो, ये है हमारा एस टू ओ थ्री माइनस टू, और ये चला जाएगा ना, ये चेंज हो रहा है हमारा एस फोर ओ सिक्स माइनस टू में चेंज हो गया। अब पहले एटम बैलेंस, सबसे पहले एटम, इधर दो एटम है आई टू है, इधर भी कितना होना चाहिए था, इधर भी होना चाहिए हमारा दो, तो हम दो कर देते हैं, इसको मतलब हम दो से गुणा कर देंगे। यहाँ दो सल्फर है, यहाँ चार सल्फर है, तो इसको भी दो से गुणा कर दो, हो गया चार सल्फर। मतलब पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम को, जैसे आयोडीन सल्फर है कोई मेटल है, उसको बैलेंस कर लीजिए। अब उसको बैलेंस कर लिए, इसको बैलेंस करने के बाद अब हमें करना है बैलेंस ऑक्सीजन को, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं ऊपर वाले में, तो वहाँ बैलेंस नहीं करेंगे, दोनों तरफ नहीं है। यहाँ है तीन ऑक्सीजन है ना, तीन ऑक्सीजन है, इधर कितना है, छह ऑक्सीजन है, यहाँ है तीन ऑक्सीजन, यहाँ है छह ऑक्सीजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी छह ऑक्सीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आप बैलेंस कर दो, इधर आप जोड़ दो थ्री एच टू ओ, थ्री एच टू ओ जोड़ दिए, अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, इधर हाइड्रोजन कितना, 3 × 2 = 6, इधर एक भी नहीं है, तो इधर जोड़ दो 6H+, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब करते हैं चार्ज को बैलेंस, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, इधर -2 चार्ज, इधर चार्ज नहीं है, तो इधर हम दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे हम दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो -2 इधर भी, -2 इधर भी हो गया। यहाँ देख लो, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा कितना होगा, -4, इधर -4 है, इधर केवल -2, तो इधर पर हम जोड़ देंगे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया बैलेंस। और जब चार्ज बैलेंस हो गया तो दोनों को क्या करें आप, ऐड कर देंगे, दोनों को कर देंगे हम आप, तो ऐड करोगे दोनों को, ऐड कर दो, ऐड करने में ध्यान नहीं रखती, तो बैलेंस ऐसे ही हो गया, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होनी चाहिए दोनों को, तो ई से ये कैंसिल, ये बच गया सीधा आई टू, नीचे उतर जाएगा 2H2O3-2, इसके बाद इधर हो जाएगा प्लस 3H2O, इधर हो जाएगा 2I- प्लस S4O6-2 प्लस 6H+, हो गया बैलेंस, इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। ओके, बिल्कुल आसान है, इधर तो 6H+ कटा भी नहीं मेरे ख्याल से ना, ये बैलेंस ही था। आप देख लो, इधर ऑक्सीजन देखोगे आप, 3 ऑक्सीजन है, 2 है, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन था ही, तो हाइड्रोजन ऐड करने की आवश्यकता भी नहीं था, ये तो ऐसे ही हो गया था, बिल्कुल ये ऐसे ही हो गया था, तो पहले से ही बैलेंस था। मतलब इसमें हम एच टू ओ वगैरह नहीं भी ऐड करते, 6S+ तो संभव था। यस बिल्कुल, इसको नहीं भी ऐड करेंगे फिर भी ये आंसर इसका आ जा रहा है ना, कैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, ये 3 था, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 2 को 3 से, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, चार्ज को बैलेंस कर दिए, आंसर यही आ गया, हो गया। कितना आसान था ये, सबसे आसान वही था। अब ये 4 नंबर,
नंबर को हम दो मेथड से करेंगे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्योंकि वो मेथड और आसान होता है। बिल्कुल, तो उसको हम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजनेट है, C2O4-2, Mn+2 में बदलना है, CO2 में बदलना है। बिल्कुल, क्वेश्चन है हमारा MnO2+ ऑक्सीजनेट आयन है और ये बदल रहा है हमारा Mn+2 और ये बदल रहा है CO2 में। ये क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ हाफ में लिखेंगे, तो हाफ हाफ में लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम MnO2 और ये बदल रहा है किसमें स्टूडेंट, Mn+2 में लिख दिए। फिर ये ऑक्सीजनेट को CO2 से कंपेयर कर दो, चूंकि इसके एलिमेंट इसमें CO2 में है, इसलिए ऐसा नहीं हाफ हाफ लिखने से C2O4 को Mn+2 से लिख देना, MnO2 को CO2 के साथ लिख देना, सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैंगनीज था इसलिए मैंने वो इधर वाले के Mn+2 को ही लिया है, ध्यान रहे इस बात का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजनेट आयन है, C2O4-2 है, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, तो CO2 में चेंज कर दे, लिख दिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके दूसरे मेटल को बैलेंस कर देते हैं। जैसे मैंगनीज यहाँ एक है, यहाँ भी मैंगनीज एक ही है, रहने दो, बैलेंस है। यहाँ कार्बन दो है, यहाँ कार्बन 1 है, तो इसको दो कर दो, कर दिए। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं अब ऑक्सीजन को। जब आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे ना, तो यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन एक भी नहीं है, तो यहाँ हम 2 H2O को ऐड कर देंगे। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतने H2O ऐड कर दो इधर, जिस साइड कमी हो ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 2 या 4 ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस है, इसमें H2O ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, इधर देख लीजिए 2 2 या 4 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी होना चाहिए 4 हाइड्रोजन, या तो आप 4 OH- ऐड करो या 4H+ ऐड करो, या तो कहूँगा 4H+ ही ऐड करो, तो चलो 4H+ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड 4H+, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब करते हैं चार्ज बैलेंस, दोनों में ऊपर नीचे दोनों में, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप करोगे क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इधर देखो 4+4 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, तो इधर भी +2 होना चाहिए, तो इधर कर दो ऐड +2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो -2 और +4 कितना होगा, +2 होगा, इधर भी चार्ज +2 है, हो गया। यहाँ -2 है और यहाँ 0 है, तो इधर कर दो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हो गया चार्ज बैलेंस। इधर भी -2, इधर भी -2, चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, तो 2 पे कितना होगा, -2। अब दोनों को कर देंगे हम ऐड, करने में ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन हर हाल में कट जाता है, बस ऐसा समझो। रेडॉक्स रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस तभी होगा जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कट जाए, ठीक। यहाँ पे हम इसे ऐड जब करेंगे तो देखोगे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल, उसके बाद कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला, आप जो जैसा है वैसा उतार दीजिए। ये हो जाएगा हमारा MnO2+C2O4-2+4H+ और ये बदल जाएगा हमारा Mn+2+2CO2 और +2H2O में बदल जाएगा, ठीक है। ये CO2 है, ध्यान रखना CO2, देखो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2CO2, देखो हो गया बैलेंस। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, देखो करके देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इससे भी आसान होता है, उससे भी आसान, तो ये है सारे एक ही स्टेप में हो गए, फिर भी हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसी क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा क्या है, MnO2+C2O4-2 और ये बदल रहा है Mn+2, ये बदल रहा है CO2, क्योंकि तो ये बिल्कुल आसान होता है, इसमें ने ब्रिज से तो बना, जैसे इसको सबसे पहले हम बीच में लिख लेंगे, तो बीच में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख लो, ठीक है।
बीच में लिखेंगे तो इसको हम इस तरीका से लिखेंगे MnO2 C2O4 -2, ये बदल रहा है Mn+2 और CO2 में। सेम एलिमेंट में देखो ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज है, यहाँ से ले करके इस पे देखो, इस मैनेज पे, इस पे आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है और यहाँ पे कितना है +4 है, तो 4 है, 2 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अच्छा, दोनों में एटम बैलेंस होना चाहिए, ध्यान रहे यहाँ C2 है तो यहाँ भी 2 कार्बन होना चाहिए। अभी एक मैगनीज है, एक मैगनीज मैंने कर दिया, अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना मैगनीज का कॉफिशियंट, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो एक ही मैगनीज है दोनों तरफ, तो एक ही से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा, इसको रहने दो। मैंने यहाँ पे अंतर लिखा है, 4 था 2 हो गया अंतर 2। अब इस कार्बन से खींच करके अब इस कार्बन पे ले जा, कितना का अंतर, इधर देखोगे तो +4 है, इधर देखोगे तो यहाँ पे मान लो एक्स, तो ये हो जाएगा 2x -8 = -2। अब इस कार्बन पे निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा x -2 + 8/2 मतलब +3, ये हो जाएगा +3। +3 + 1 कितना का अंतर, 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है ना। तो ये जो 1 का अंतर आया है, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर करेगा, इससे अंतर कितना कार्बन, 2 टोटल कितना कार्बन है, 2 है ना, तो 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है यहाँ भी कार्बन 2 है, तो जो 2 कोफिशियंट होता है उससे गुना करते हैं, इससे गुना कर दिए। और गुना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे लिख देना है आराम से, इस वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 का एक्सचेंज है, ऊपर भी 2 का एक्सचेंज है, ठीक है, तो दोनों सेम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएंगे, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ये ले रहा है ना, तो इसमें लगभग लगभग जो था यहाँ पे देखो वही आंसर आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो अब दो जो जैसा है वैसे उतारो, क्योंकि दोनों ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर आ गए, अगर बराबर नहीं आता तो हम इसमें जो एक्सचेंज आया इसको इससे गुना कर देते, और इसमें जो एक्सचेंज आया था इस वैल्यू को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते, जैसे मैगनीज में जो चेंज आया था उस अंक से गुना कर देते ऑक्जिलेट को, और जो ऑक्जिलेट में चेंज आया था उससे गुना कर देते हम वो मैगनीज वाले को, ये था सबको लिख देंगे सेम ही है सब। तो MnO4 MnO2 है, एक मिनट इसको लिखेंगे हम, सेम जो है ना उसी को लिखना है हमें, इसको जब तुम लिखोगे तो इस तरीके से आ जाएगा MnO2 + C2O4 -2, तो आ ही गया है, इधर लिख दो आप Mn+2 और +2 CO2 बन गया। ऑक्सीजन माइनस कर लो, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 जा 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस ही है, चार्ज बैलेंस करोगे तो देख लो +2 हो जाएगा यार, इधर है -2, इधर चार्ज -2 है, इधर +2 है, तो चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा ना, या तो इधर कर दो +2 नहीं तो इधर कर दो -2, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, H+ आयन ऐड करोगे, जितना H+ आयन ऐड कर दो इधर ताकि +2 हो जाएगा, तो इधर 4 ऑक्सीजन, सॉरी इधर 4 है तो 6 ऑक्सीजन है, इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है, तो इधर जुड़ेगा 4 2 H2O जुड़ेगा, 2 H2O जुड़ेगा तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 4H+ जुड़ेगा, हो गया सब बैलेंस, आ गया आंसर, 5 मिनट में आंसर आ जाता है। तो आप आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे, इस पर हमने आज इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास कंसेप्ट के बारे में, इसमें आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल का वो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जब जुड़ जाएंगे ना टेलीग्राम पे, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शंस का मैंने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं उस पर PDF अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, रिविजन पे ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।